मेरठ में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब एक चाय के खोके में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना दमकल विभाग को दी गई। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। दरअसल ये पूरा मामला नौचंदी थाना इलाके के गांधी आश्रम रोड का है, जहां पेठे वालों के सामने रखे चाय बनाने के खोके में भीषण आग लग गई। बताया जा रहा है कि सिलेंडर ब्लास्ट होने के कारण ये आग लगी है। गनीमत रही कि हादसे के दौरान खोके के आसपास कोई मौजूद नहीं था। यहाँ पे आग लग गई, ये कुछ हो गया होगा इसमें, कुछ इसका तो शोका तक आएगा, शोका चाय पानी की कोई बुढ़िया सी लगाती है यहाँ पे। लपटे उपटे उठ के अड़ोस पड़ोस वालों ने कंप्लेंट करी, फायर ब्रिगेड आ गई, फायर ब्रिगेड ने आग वगैरह बुझा दी, अब लाइट सुचारू कर दी गई है। अच्छा, कोई हाथ हाथ नहीं हुआ जी? नहीं नहीं, वो तो सिलेंडर फटा होगा जी, छोटा 5 किलो वाला जो सिलेंडर रहता अंदर वही फटा, बस और कुछ नहीं। पता चला कि अब टीम भी आई थी फायर ब्रिगेड की, कोई कैसे लगी आग? नहीं, आग के कारण का भी नहीं, कोई जानकारी नहीं हुई, कोई ज्ञान नहीं।